आय हाय, क्या बढ़िया तो रही है यार। आज तो काम पे जाने का भी दिल नहीं कर रहा। सुकून कैसा है यार, क्या चिल कर रहा है यार इसका। और हाय सलीम, क्या तो मजे है मेरे बेटे। कब किसकी किस्मत बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं होता यार। लेकिन सोने का कोई इंतजाम करना पड़ेगा यार। चलो मेरे को क्या है, मेरे को तो जगह मिल गई। इन लांटियों को देखना पड़ेगा, फारूक और यूसुफ को। मैं तो सलीम के साथ ही सो जाता हूँ। हाय हाय भाई, चलो यार दादा। ओए चलो, वाह थक गया यार मैं तो। जरा अपने आप को तो देखो शीशे में, कैसा लग रहा हूँ। वैसे बहुत गर्मी बहुत हो रही है आज। अरे तेरी खैर, वाह भाई वाह। मेरे को तो पहले ही पता था इन सब में अच्छा मैच दिखता हूँ साला। ये तो हाई मनुष्य, तुम लोगों ने तो अभी शुक्र करो मेरी जवानी नहीं देखी। मेरी जवानी देखते ना, और पप्पा का रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाते अपनी। चलो, अरे दिल कोई है नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा। वरना इन सालों के घर में होने से शोर शराबा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता मेरे बेटे। ओए कोई आ तो नहीं, एक हाथ घुट मार लेता हूँ। हाँ लांटी साहु महंगी वाली लग रही है। ये कौन सी है मेरे बेटे, है कौन सी है? वाह, अरे ये तो सेब का जूस है साला। लेकिन है टाइट, एक गिलास और पीता मेरे बेटे। मेरे को लगा कोई सालक इंग्लिश या देसी है, लेकिन ये तो सेब का जूस है यार। बस थोड़ा सा कड़वा ठंडा होता ना, मज़ा आ जाता। बस बहुत ढक्कन लगाओ, साली को वापसी रखो। सलेम, अरे और सलेम, अरे घर में कोई भी नहीं क्या? मेरे को छोड़ कर चलेगा? अभी तक तो थे घर में। टीवी पर देखो क्या खबरें चल रही हैं भाई। सलीम तो न्यूज़ चैनल पर छाया हुआ होगा। अरे टीवी नहीं चल रहा, अरे किधर हैं ये लोग? खाने में कुछ है क्या? वैसे नाश्ता तो कर लिया, लेकिन थोड़ी सी भूख और लग रही है। ऑफिस में होगा शायद। सलीम मेरे बेटे, अरे यहाँ पर भी नहीं है। अरे बाहर तो नहीं चलेगा? लांटी मेरे को बिना बताए इनकी ऐसी की तैसी। साल नीचे भी नहीं हो सकता, बाहर ही होगा। सलीम, हाँ बाली, अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम लोग को अंदर आवाजें मार रहा हूँ, कोई भी नहीं, तीनों ही नहीं हो। बाली, फारूक भाई और यूसुफ भाई पीछे स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं। स्विमिंग पूल में बैठे हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाली, वो भाई का काम कर रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ अभी वैसे भी काम से जाना, तुम लोग चलोगे? किटर मेरे बेटे, सिगरेट तो पिला। ये लो बाली, मेरे पास है, थैंक यू सो मच। ये क्या बाली, तब तुम थी तो मांग क्यों रहे थे? अरे चेक कर रहा था, अभी भी चेक करना कुछ बाकी है। अरे नहीं यार। हाँ तो क्या काम है मेरे बेटे? बाली मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। अरे मेरे बेटे क्या मशवरा? तुम भी पार्टी ज्वाइन कर लो। अरे हट, मेरे से किसी की ना टटापोशी नहीं की जाती। बाली ज़रूरत ही नहीं है ना, नौबत ही नहीं आने दूंगा। अरे नहीं यार, मैं पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा मेरे बेटे। बाली कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। मैंने उन दोनों को भी बोला है, वो तो नहीं कर रहे। फारूक भाई रेडी हैं, लेकिन भाई मैं करने से मना कर रहे हैं। कौन से भाई? पार्टी वाले भाई, वो कह रहे हैं कि फारूक को पार्टी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो उसको इन्हें उन्हें देंगे। हाँ उसकी तो सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो गई है ना मेरे बेटे। बिल्कुल बाली, अभी वैसे भी काम से जाना है एक दो जगह पे, ज़रा जाके मरकज़ में जाना है, एक दो जगह मरकज़ जाना है और एक दो जगह काम से जाना है। अच्छा तुम चलोगे? हाँ चल लो मेरे बेटा, मेरे को करने का है क्या? तुम वर्कशॉप नहीं जा रहे? अरे आज वैसे ही दिल नहीं कर रहा मेरे बेटा, मैं फारूक और यूसुफ को भेज दूंगा वर्कशॉप पर, इतना काम भी नहीं ना मेरे बेटे। ठीक है वाली, तुम्हारी मर्जी है ना। और सुना कुछ? क्या सुनो वाली, डिग्गी क्यों खोली है मेरे बेटे? डिग्गी तो बंद करो ये। अरे अरे इतना पैसा? हाँ वाली, ये किसका है? मेरा। मेरा ना? तुम्हारा नहीं, मेरा। ऑटो मेरा मतलब तेरा पैसा, तेरा जाति। बिल्कुल बाली, ये कहाँ आया? बाली ये वो दुकान पे पत्ता लिया है ना, उसका है। तो ये तो दुकान भाई का हुआ ना? नहीं बाली, ये मेरा हिस्सा है, भाई ने भिजवाया है। और चल बिल्कुल बाली, ये कितना पैसा है? बाली 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये? ये कितने दिन का है? बाली एक हफ्ते का। एक हफ्ते का कमीशन तेरे को मिला है? हाँ बाली, तो उसको गाड़ी में क्यों रख रहा है? घर में रखना। बाली गाड़ी में रखने दो, कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी। फटी के बंद कर दी मैंने डिग्री, ठीक है मेरे बेटे? बिल्कुल बाली, मैं आता हूँ इन दोनों के पास से होगा। ओके इसका सही है भाई, एक एक हफ्ते का 3 लाख रुपये। अगर इसको एक हफ्ते का 3 लाख मिल जाए तो महीने का 3-4-12 लाख रुपया। हाय हाय हाय, यह सही छाप रहा है मेरे बेटे। काम भी कुछ नहीं है, ले दे के सब मिल गया। 3 दिन 2-3 दिन में बताओ जरा, जिंदगी सेट हो गई। बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। आना। अरे ओए तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? ये कौन है?
अबे ये सलीम भाई ये मंगवाई भी है। हाँ सलीम ने मंगवाई भी है? और जानो कौन है ये पार्टी बहन है। हाँ वाली ये पार्टी बहन है, तुम इनको छेड़ मत देना मेरे भाई, भाई तुम्हें गोली मार देंगे। तो ये पार्टी बहन है यहाँ क्या कर रही है मेरे भाई? ये तुम जाके सलीम भाई से सवाल करो, है तो लश्कारे वाली कमर पेटे खड्डा भी है दोनों की। चुप कर जा तू। तुम यार दुकान नहीं जा रहे? अबे वाली दुकान जाके क्या करेंगे यार, मैं तो यूसुफ भाई कब से कह रहा हूँ मेरा दिल नहीं कर रहा यार। बेटा भी दिल नहीं कर रहा, चुपचाप ना दुकान चलो। माइकल भाई ने हिसाब मांगना है, अभी महीने का आखिरी एंड आने वाला है साले, बता रहा हूँ तूम लोगों को। ये फिर नवाब सूझ गई हैं, क्या कहते हैं मेरे बेटे वो नवाबियाँ आनी, तो साले दुकान चलो। मैं तो यार एक बात सोच रहा था यूसुफ। क्या? मैं सोच रहा था कि यार पार्टी ज्वाइन कर लूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अबे चुप कर, पार्टी ज्वाइन कर लूँ पाइन कर लूँ साले, तू तो बोले नहीं। तूने भी यूसुफ को सलीम को बोला है आने तो के पार्टी ज्वाइन करवा दो, लेकिन पार्टी वाले भाई तेरे को इन नहीं होने दे रहे मेरे बेटे। नहीं 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 ऐसी बात तो नहीं है मेरे भाई, ऐसी ही बात है। हाँ ये तो है, मैं भी यही सोच रहा हूँ है ना। आज चलते सलीम के साथ चलते, देखते क्या सीन है, सेटिंग बिठाते मेरे बेटे, ऐसे किसी को भी इन नहीं करा लेते मेरे भाई। तू तो बोल ही नहीं साले, तेरे मुँह पर थप्पड़ मार दूंगा आने तो, तेरी को इज्जत है नहीं बात कर रहा है। आजा। कहाँ जा रहे हो? अरे आना। अबे मैं आ रहा हूँ ना, जरा दो मिनट बात कर रहा हूँ। अबे गूंगियों से क्या बात कर रहा है? गूंगे? आना, ये दोनों गूंगी हैं साथी बहने। अबे तो सुनती तो है ना, इशारे में बात कर रही है। क्यों जानो चाले शादी शुदा है तू या कद्दू का शादी शुदा? बेगम भाग गई मेरी। एक तो बोलते भी अजीब लगता है। सलीम भाई को बोलूँगा वही ढूंढेंगे साली को, इसको तो देख बीच से फाड़ दूंगा साले के। हैं साले के? मेरा मतलब साली के। चलना भी आना सलीम जाना, उसके चलते हैं अपन तीनों, चलते हैं तीनों। क्यों दोनों चलते ना, इसको तो फायदा ही नहीं। अबे भाई मैं फिर क्या करूँगा यहाँ पे, चल फिर आ जा। सलीम ने पूछ लिया तेरे को लेकर चल रहा है वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो क्या हाल चाल है तुम लोगों के? सब ठीक ठाक अमन है। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ ना कि तुम लोग देख के परेशान हो जाओगे। बहुत पैसे है ना, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो घर बैठे पैसा कमाओ मेरे बेटे। आज मेलबैट जो है ना इसमें मेरी मदद करने वाला है, क्योंकि उन्होंने फॉरन नटाइज के साथ जो है ना अपने क्रैश गेम लॉन्च किया मेरे बेटे। तो ये देखो ये गेम है, इसमें मैं 1000 रुपये कम लगाने वाला हूँ जो है ना, यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मैं इंतजार करूँगा ना मेरे चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे जीतने के मेरे बेटे। तो भाई मैं जो है ना यहाँ पे और 4x 5x 6x इतनी सारी रकम जीत गया मेरे बेटे, देख रहे हो। अगर तुम लोग भी जीतना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो ना तो जाके मेलबेट पर साइन अप करो, और साइन अप करते वक्त ना मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर लेना SHAD2। जब तुम लोग इससे साइन अप करोगे तुम लोगों को 20,000 का डिपॉजिट बोनस मिलेगा मेरे बेटे। तो जाओ अभी से जाके जल्दी साइन अप करो, लिंक तुम लोग को कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन मिल जाएगा। आजा चलो मेरे भाई आनी। तो तुम लोगों का सही है, ताले माइकल भाई को क्या जवाब दोगे? अबे भाई कर देंगे ना उसकी सेटिंग, हमने कब बोला कि हम दुकान नहीं जा रहे? आज जाने का दिल नहीं कर रहा, और वैसे भी दुकान पे काम नहीं है यार। वो जो सिविक आई हुई है उसका क्या करें? अरे वो शकुर रुक जाओ रखा। अबे बदतमीज आदमी, हाँ तेरी बाजी लेके भागा हूँ ना मैं। हैं वे यार तू एक तो तेवर देख सलीम भाई के तेवर नहीं बेटा, उसका रोप देखो। बिल्कुल बिल्कुल चले। हाँ भाली चले मेरे बेटे। किधर? तुम जा रहे थे ना तो तुम तीनों भी साथ चलोगे? हाँ ना मेरे बेटे। ये फारूक भाई ये तो उसकी सेटिंग तुम देख लो, ये चलने का बोल रहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारे भाई इन्होंने देंगे इसको मरकज में। मरकज का तो नहीं पता, लेकिन ये हमारे साथ चल सकता है बात। तो फिर चलो ना मेरे भाई। क्या पता ये भाई के टट्टी उठाए तो फिर भाई मान भी जाए इसको पार्टी में करने से। तुमने क्या सोचा? मैंने और चाचा ने तो सोच ही रहे हैं कि हम लोग आखिर में मशवरा करके तुम्हें बता देंगे मेरे के क्या सीन है। वैसे मूड तो है 80-70% के ज्वाइन कर लें, करना क्या होता है? अबे करना फिर मैं तुम्हें बता दूंगा ना यानी। तो तू क्या बताएगा? लांटी के बच्चे तेरा काइट का जमाना था, ये जमाना अलग है यानी। तो बिल्कुल बाली। और फारूक भाई अब तुम्हारे हिसाब से मरकज नहीं चलता, अब मेरे हिसाब से चलता है। साले 3 लाख रुपया बाली। हाँ मेरे बेटे। सबको मत बताओ। क्या मत बताओ? क्या 3 लाख रुपए? अब तो बोल देना, अब ये वाली बता दूंगा, अगली बार नहीं बताऊंगा। ठीक है बता दो। 3 लाख रुपए कमीशन मिला है इसको एक हफ्ते का। 3 लाख रुपए कमीशन? किस चीज का? भट्टा खोड़ी का है। भट्टा? कौन था भट्टा? तेरे को भट्टा नहीं पता? वो तो दुकानों से ले जाते थे भाई। हाँ तो 3 लाख रुपए? साला हमें तो एक हफ्ते के 5,000 रुपए देते थे, इसको 3 लाख रुपए? तुम्हारी बात और थी, हमारी बात और है। एक ही हफ्ते में भाई को मैंने पूरे के पूरे 24 लाख रुपए का भत्ता वसूल करके दिया है 136 दुकानों से। 136 दुकानों से 24 लाख का भत्ता? तुम्हें तो 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में ही तो हफ्ता खत्म होने वाला था।
तीन दिन में तुमने 24 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए कैसे? हर दुकान वाले की दुकान खोपड़ी पे जाके मैंने पिस्टल रखी तो पटपट पैसा भी निकला और सॉरी भी बोला। और तुम कितने कट्टे थे? वाली हम तो भाई 20-25 दुकानों से ही जमा कर पाते थे, बाकी सुनते ही नहीं थे। लालटी हो ना तुम। यस होता काम शाबा वेल एंड गुड, कीप इट अप सलेम। थैंक यू वाली, थैंक यू। चलो बेटा बेटा आ जाओ अपनी धासु वैन में चलेंगे। बैठो चलो चलो आ जाओ। अरे गाड़ी बाहर निकाल ले। आजा भाई आजा। आजा वाली। आ रहे आ रहे मेरे भाई आ रहे, जल्दी चलना साले केकड़ रहे। अबे चल रहा हूँ ना, आजा आजा उधर से आजा। यार पीछे बैठने में जो मजा है ना वो आगे में नहीं है मेरे बेटे। आग कैसे लग गई? अबे आग लग गई मेरे भाई, ये मुझे लग रहा है किसी ने सिगरेट जला के फेंक दी। सलीम भाई यकीन मानो दिल से एक बात बताऊं। बताऊं? यकीन नहीं हो रहा यार तुम ऐसे हो गए हो। अरे इसके तो कराची में बड़े टेवर थे, साला चलाता रिक्शा था लेके। अबे सलीम भाई तुम ये बताओ कराची में तुम सेक्टर कब संभालते थे मेरे भाई? जब मैं 18 साल का था जब से सेक्टर संभालता था और मैंने 12 साल संभाला है वहाँ पे। अरे साले मेरे को तो पता नहीं है। बाली तुम तो मेरे से रिक्शे के टाइम पे मिले थे ना, जब तुम मिले हो मैं रिक्शा चलाता था। अच्छा ये बात है। बिल्कुल बाली बिल्कुल, जब सेक्टर छूटा तो वहाँ से फिर मैं रिक्शा चलाने पे आ गया। इतने बुरे दिन आ गए थे मेरे भाई। बिल्कुल, रेंजर्स ने हर एक सेक्टर वाले की गांड में डंडा दे दिया था। हाय हाय, तो वहाँ पे भी तुम ऐसे ही सेक्टर संभालते थे? वहाँ पे तो मैं सबकी माँ बहने करके रखता था, यहाँ तो मैं फिर भी कुछ नहीं कर रहा। अभी हल्का हाथ रखा हुआ, अभी स्टार्टिंग है ना। और वैसे एक बात बताऊँ, बल्कि तुम्हें मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम तो कॉपी करने लग जाओगे। हाँ साला कॉपी चौरस साला, अबे कुछ भी साले अपने पास से। वैसे एक बात है, तुम्हारी ड्राइविंग बड़ी अच्छी है, यूसुफ भाई से तो कई गुना अच्छी है। साले अपने बाप को बीच में मत रगड़ा करो आनी तो। तूने भाई से क्या बात कर ली थी? मैंने बोल दिया था उनको कि ये क्या कर रहा है, कि मेरे दोस्त भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो भाई ने बोला करवा दो, लेकिन फारूक को नहीं, और बाकी जो दो हैं वो दोनों टकले। मैंने बोला चाचा भतीजा चाले, वो दोनों मेरे अंडर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम थलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी गैंग है। हाँ पटा पटा है, उसका नाम है उंगली गैंग। है बिल्कुल बाली। आ जाओ। अरे तू ये फारूक क्या कर रहा है? जादू है मेरे भाई, अपना मरकज में आते जादू चालू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या रिपोर्ट है सर? वीट फार्म में आपको बुलाया है, वहाँ पे ज़रा तैयारी हो गई है, साफ़ सुथरा ही हो गई है। भाई चाहते हैं कि आप जाके वहाँ पे विज़िट कर लें, और आपको वहाँ पर भी बुलाया है अपना 3 नंबर के मरकज़ पे। क्यों? वो वहाँ पे सर बाहर के लोग खड़े हैं। अपने ही हैं, पार्टी ज्वाइन हो गई है। अच्छा अच्छा सर, फिर सही है। वहाँ पे भाई ने बोला कि आप वहाँ पे विज़िट कर लें, थोड़ा वो आया है अपना करेंसी आई है। ओके मैं जाके विज़िट कर लेता हूँ। और भाई ने बोला है कि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी आई हैं, तो वो भी जाके देख लें आप, अगर किसी लाइक उनको बेचना वेचना है वो आप भाई से बात कर लिएगा। ठीक है। ये कौन है? ये बाली मेरा दोस्त का असिस्टेंट ज़्यादा है, ये सारी रिपोर्टें भाई इसको देते हैं, ये मुझे पहुँचाता है। अच्छा वो शकीला नहीं आ रही? वो खड़ी भी तो है। अच्छा नहीं सर, वो शकीला नहीं है, वो उसकी खाला की जान की पप्पो की बेटी है। अच्छा अच्छा, शकीला बहुत मिलती है यहाँ पर, सब सही है? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे सब एक नंबर है। आप बताएं कुछ चाय पी, आप चाय लाऊं? नहीं नहीं, और मेरी बात सुनो। जी सर। ये तीनों भी आज से पार्टी में हैं। हैं कौन तीनों? मेरा मतलब ये दोनों, ये चाचा बाली और ये इनका भतीजा यूसुफ। ओके सर, आपने भाई से बात कर ली है ना? बिल्कुल, भाई नहीं तो इनका रहा। और ये फारूक भाई? फारूक भाई अभी पार्टी में नहीं है। ओके सर, वैसे क्यों? भाई नहीं चाहते कि ये पार्टी में है। तो इस गांडू को यहाँ से बाहर निकालो ना। अबे ओ तमीज से बात कर। तमीज से बात करो, दोस्त है मेरा। ओ सॉरी सर, माजरत। ट्रेडर ढोट टके की रट है साले, फाड़ के साला बेइज्जती कर दी तो मेरे हट में यार इसकी। चलो आओ। किधर मेरे बेटे? आओ जरा, एक दो तीन जगहों पे जाना, तुम्हें बताया तो था। हाँ चलो चलो, मैं पीछे बैठ रहा हूँ यार, मजा आता है। अंडर अंडर फेट मैं बैठ रहा। अबे यार हट राले लांटी, बाली उधर से आ जाओ। आ रहा हूँ। किधर जाना है? अब तुम लोग देखते जाओ कि काम होता कैसे। मैं तुम लोगों को लेके चल रहा हूँ वीट फार्म पे। वहाँ पर जाके क्या होता है मेरे बेटे? बाली वाले हमारे जो भाई है ना पार्टी वाले,
उनका चरस काट दिया। तुम काहे बात को बीच में बोल लो, ये मेरा काम है, अब तुम बीच में मत बोलना। आज लांटी के बच्चे ये सलीम सेठ का काम है। सलीम सेठ? सलीम का काम है। अब जो इज्जत के काबिल है उसको इज्जत तो दूंगा ना, और जब बेझट जी के काबिल है उसको बेझट तो करूंगा ना। हाँ हाँ, हमें बोल ले, मेरे को बोल ले तू। भाई ने 8-10 गाड़ियाँ पकड़ी हैं। पकड़ी हैं? पकड़ी नहीं है, चोरी करी है। ये बोलो मेरे भाई। चुप कर, मैं भाई को तेरी शिकायत करा दूंगा। अच्छा मेरे भाई। मेरे काम के बीच में मत बोलना, तुम्हें इज्जत दे के साथ लेके घूम रहा हूँ ना, वरना भाई ने तो मना करा हुआ है। अच्छा। और मेरी गैंग से कभी उलझना नहीं। कौन सी गैंग मेरे भाई? अभी तो तुम्हें बताया, उंगली गैंग। ठीक है मेरे भाई। गाड़ी तो चेक कर, साले इंपोर्टेड लग रही है यार। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दोनों जगह यहीं पर ही। हाँ मेरे को भी पता। चुप है। अरे तू मत बोल ना, कमीना उसके काम में आने तो। अब तू हाँ क्या सटन चाहते ये आने तो। और मेरे से बेहतर तुम भाई को ज्यादा जानते हो। हाँ पता है मेरे भाई। एक दफा तो ना भाई ने पाद मार दिया था मेरे बड़े भैया की, ना भैंस की टांग भावे उड़ गई थी। हाँ हाँ ना बाली उठा पाद मारा चढ़ापटा बाली, ऐसा ही समझ ले। एक और जा रही है भाई, क्या हो गया? लगता है शहर में नहीं आई है। गाड़ी बड़ी टाइट, इतना पैसा आ जाए वाली गाड़ी ले लो मेरे बेटे। चुप कर जा। चलिए मैं बात तो बता मेरे बेटे। मुझे बाली ये हमें कितना कमीशन मिलेगा? वो तो भाई बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। हाँ ठीक है बैठ बैठे, ठीक है मेरे बेटे। साला लालची इंसान, तू तो जलता मरता रे साले कसूर रे। हाँ साला, इसकी कोई इज्जत नहीं हो रही ना, हमें पार्टी में आसानी से ज्वाइन हो गया ये वो। बेटा तुम लोग ना फंसोगे, बहुत गंदे फंसोगे, और गिफ्ट फटेंगे। और इसकी तो पकड़ पकड़ साले को, उसने यूटर्न कैसा मारा। रुक तेरी तो, रुक तेरी तो, रोक रोक साले को, रोक इसकी तो। बाहर निकल बच्ची। अरे हटो, आज तेरी तो इज्जत ही नहीं है, कोई लोग तेरे को टकरे मार के जा रहे हैं। लानती तेरी ऐसी की तैसी भाली, मैं इसको जान से मार दूंगा। मेरे पे काय बात को चढ़ रहा है? हटा, तू बीच में तो आया साले। भाग गया मेरी गाड़ी को टक्कर मार के। बैठो यार, जान बूझ के ही हरकटे कर रहा है। दरवाजा भी टूट गया। आए हाय, मजा आया। तेरी माँ का ओ तमीज से दरवाजा तो उठा लेता मेरे बेटे, लग जाता। बाली अभी अमेरिका भेजनी पड़ेगी ये गाड़ी, भाई देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। तेरी तो बेटा लगेगी, अच्छा तेरे को डांट पड़े, तू तो चाहता ही है ये साले कसूर है। अबे वो साला चाइनीज का औलाद, जल्ला मर्रा साला कसूर है तेरे से और कुछ भी नहीं मेरे बेटे। तू कुछ भी कर ले, मेरी जगह नहीं ले सकता। तू चाह रहा है कि मैं तेरे से आपस में टसल करके बैठ जाऊं? मैं तो ऐसा चाह ही नहीं रहा मेरे भाई, तो खुद फंसेगा और तुम लोग सारे माइकल भाई से फंसोगे। तुम लोगों को पता है कि माइकल भाई के अंडर भाई काम करते हैं, फिर भी तुम लोग माइकल भाई का काम खराब करो। हम तो खराब नहीं कर रहे। ये रहा वो वीट फार्म। पता है तो अपने बाप का यहाँ पर रिश्ता क्यों नहीं लेकर आ जाते? हाँ तो तेरी अम्मा नहीं है ना इधर? और तमीज सर है, बातें कर रहा है मेरे आगे साले। हाँ चाबी से खोलने दो। कॉल कॉल उंगली काट। आ जाओ भाली। अबे ये तो पूरा खाली पड़ा हुआ, हमारे बड़े भैया के टाइम पे तो पूरा साला पेड़ ही पेड़ पौधे होते थे। पेड़ पौधे साले, तुम लोग क्या मनी प्लांट वेस्टेड है? मनी प्लांट ये क्या होता है भाली? गंदी बातें मत करो। अबे साले पौधा होता है, उसको मनी प्लांट बोलते हैं मेरे भाई। नहीं भाली, यहाँ पे चरस गंजा का धंधा होता है, ये सफाई कराइए। ये तुम चूतिया भाइयों ने तो यहाँ की गंदगी करके रखी हुई थी। अबे रहन दे मेरे भाई, इतना पैसा कमा के दिया है ना साले, चुप कर जा तू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या रिपोर्ट है? सर सब साफ हो गया, बस आपका ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। बस आइए, बंदे बुलाओ और यहाँ पे सब काम करवाओ, पौधे उगवाओ, जो कुछ भी है। ठीक है सर। वैसे कितना टाइम लगता है इन सब कामों में? कम से कम 3 महीने लगते हैं पौधे उगने में, उसमें माल बनने में, फिर उसके 1 महीना उसको डिलीवरी पैकिंग वगैरह सब लगता है। मैं 2 महीने में करके दिखाऊंगा। हैं कैसे मेरे भाई, हमारे बड़े भैया आज तक नहीं कर सके? यही तो साले तुम्हारे बड़े भैया में और उसमें फर्क है, जब भाई को वो इतना पसंद आया। तुम देखते जाओ, कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सलीम उंगली कैन डू एनीथिंग पॉसिबल। वाह क्या डायलॉग मारा, आई लव यू, थैंक यू सो मच। जी सर। आज शाम में ही काम शुरू करवाओ और सारा मैं कला के दोबारा चक्कर मारूंगा। ओके सर। कुछ बोलना नहीं, भाई का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
भाई मुंह में फंस गया। अबे यार ऐसी बात नहीं है, तू कहाँ है अभी? भाई मैं तो वेट फार्म पे आया हूँ आपके चरगंज के अड्डे पे। अबे हल्के बोला कर, फोन भी ट्राई सो रहे होते, तू सिर्फ यही एक गलती कर रहा है, बाकी सलीम तो लव है मेरा। भाई जी हुक्म। वो बता फारूक किधर है? उसको ना काम से दूर रखियो, वो और उसका बड़ा भाई शुरू से ही चाहते थे कि मेरे काम पे हाथ मारे। हाँ अच्छा बिल्कुल, वो जो तेरे दो टकले दोस्त हैं उनको साथ रख ले। जी भाई रख लिया, लेकिन भाई फारूक भाई की कोई सेटिंग करा दो ना। नहीं अब मेरा उस पे भरोसा खत्म हो चुका है, अगर तू रखना चाहता है तो रख, वो जो करेगा मैं तेरे से पूछूंगा, कोई गलती हुई तो तू जिम्मेदार है, अपने अंडर काम करा। ओके भाई ठीक है। भाई वो एक गलती हो गई है। क्या भाई? वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? भाई हाईवे पे एक बंदे ने यू टर्न मारा, मेरी गाड़ी घुस गई। कोई मसला नहीं है, नई गाड़ी भेज दूंगा अपने शेर को। ओके भाई ओके। क्या मेरे बेटे? भाई ने मुझे भी कुल्ले अल्फाजों में बोला फारूक भाई कि तुम्हें पार्टी ज्वाइन नहीं करवा सकते। क्यों मेरे भाई, ऐसा क्यों? बोल रहे क्या वो उनको इन दोनों भाइयों पे भरोसा नहीं, इन दोनों भाइयों पर? यह तो एक ही है, इसके बड़े भैया पे भी। मरने के बाद भी सालों क्या कर लेंगे? भाई ने क्लियर बोला है कसम से कि इन दोनों ने हमेशा उनके कारोबार पे नजरें रखी हैं कि किसी तरह हड़प लें। चाले खबीशों, चोट के बच्चे, लांटियों, कबाड़ी के बच्चे हैं। अबे कद्दू मेरा, तो मैं क्या करूं यार? मैंने भाई को बोल दिया है कि भाई मैं अपने अंडर काम करा रहा हूं, तो भाई ने मुझे बोला है कि कोई भी करेगा तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, भाई मेरे से ही पूछेंगे, अगर तुम्हें रहना है तो बताओ। मैं तुम्हारे अंडर कद्दू नहीं काम करूंगा, तो फिर अपना बछवाड़ा उठा निकल यहाँ से। साले एक तो तेरी जगह बना रहा, अपनी तेरी जिम्मेदारी अपने सर ले रहा है, भाई को वो जवाब देगा तू साले नमक हराम साला टट्टी पोश है। ये क्या बोल रहे तुमने मेरे बेटे? छोड़ सब टाइटल नहीं दे सकता अभी मैं। बोलो। अबे मेरे से किसी की खा उठा ही नहीं जाता, तो मत उठा कर रखो यहाँ से। ये हो गई बेटा टी साले, जो मिल जाए ना उस पर खुश रहो। अबे तुम लोग भाई, मैं माइकल भाई के काम में ही खुश हूँ, तुम लोग फंसोगे माइकल भाई से, बहुत गंदे दलील हो गए। बाकी अब तुम्हारी मर्जी है, माच दो। हाँ बैठो बैठो गाड़ी में बैठो मेरे बेटे। हाँ नहीं तो लेन देन के लिए कुछ है नहीं, बात इतनी बड़ी कर। मेरे भाई मैं इसी में खुश हूँ, अटना बाली डाले ढकचा अट बैठ जा तुम्हें, तो मेरा भाई है मेरे बेटे। आज साला उठाऊ यार, एक बात समझ नहीं आई, ये डैशबोर्ड पर तुमने फारूक के बड़े भैया लगाए मैं ये? हाँ ऐसे ही समझ लो, तमीज नहीं रहो यार तुम लोग कसम से। मैं बस कर दो अब इतनी में मत फटखोस की। हाँ रहन दे साले तू, और नमक थड़क आनी तो मसाला डाल के। अब कहाँ जाना मेरे बेटे? भाई अब मरकज पे जाना है, जरा वहाँ पे देखने की कौन सी गाड़ियाँ भाई ने ली है। हाँ चलो। ये गाड़ी का क्या काम क्या है मेरे बेटे? हाँ मेरे को भी समझ नहीं आया यार, ये भाई गाड़ियों के काम में कब से घुस गए मेरे भाई? भाई हर काम में है। भाई जहाज भी बेचते हैं, जहाज भी बेचते हैं। बिल्कुल। ये रहा मरकज, ये तो चीज की दुकान है और सब पेट्रोल पंप है। ये मरकज कब बना मेरे भाई? तुम्हें नहीं पता? आ जाओ चलो आओ, हटना लांटे चलो। अरे वाह वाह, इतनी सारी गाड़ियाँ, वाह मैंने भी पहली बार देखी है। अबे वाह मेरे भाई, साला गाड़ियाँ तो देख ले। आओ पहले अंदर चले। ये मटकर है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरी जान? बहुत मजे में सर, वो पैसे अंदर रखे हुए। अच्छा ओके, ऑफिस में वो हैं। अली कैसा है? बहुत मजे में। सलीम भाई आप कैसे हो? मजे में। भाई ने भेजा है ना आपको, भाई की कॉल आ गई थी सुबह। बिल्कुल। कैश किधर है? वो ऑफिस में रखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफिस में रखा हुआ है, वो बिलाल जो है ना वहाँ पे उसको गिनती कर रहा है। ठीक है, वैसे एक बात बता, कितना कैश है? अराउंड कोई अपना 15-16 लाख रुपए, लेकिन बिलाल गिनती कर रहा है। ठीक है, 15-16 लाख कैश। अबे हटो ना वहाँ से। हाँ चलो चलो, मरकज तो टाइट है। तुम लोग कुछ खाना पीना हो तो यहाँ से कर लो मेरे भाई। हमें मस्ती का मेरे भाई, तू तो वो बोल ही नहीं, बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कितना कैश है? अरे कैश तो देख वाली। हाँ मेरे बेटे। क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे बेटे, मैं तो बोला था कैश देखो असली है नकली है। फिर ठीक है,
तमीज में रहे। कितना कैश है बिलाल? सलीम भाई ये अभी कोई 15,60,300 रुपए हो गया। अभी दो दफा हिसाब कर चुका हूँ, बस 300 का मसला आ रहा है। बस सही है, अराउंड 15,60,000 रखो जी। इसको दूसरे मरकज शिफ्ट करो और वहाँ पे जो तिजोरी है वहाँ पे इसको ले जाओ। ओके सलीम भाई। और वो गाड़ियाँ देख लें, अब गाड़ियों को क्या करना है? भाई ने बोला था कि सलीम आके देखेगा। हाँ वो मैं देखता हूँ, चलो रास्ता दो ना। अबे तो जाना मेरे भाई। अरे तो बड़ा रूट पे काम है मेरे बेटे। देखो बाली, ये होती है जन्नत। अरे नहीं, ये तो खाली दुनियावी जन्नत है मेरे बेटे। अच्छे काम करो ना तो जन्नत वो वाली अलग ही है। वो बात बिल्कुल सही कह रहे हो बाली, लेकिन ये देखो साला गाड़ियाँ तो देख यार। अरे ये तो वो टॉमी भाई वाली गाड़ी है यार। बिल्कुल। कम से कम भी ये करोड़ों का माल है। कम से कम करोड़ों का साले अरबों का माल है। ये जो आगे चार खड़ी हुई ना, यही कोई 15-20 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। और पीछे वाली तो विंटेज गाड़ियाँ, उनके तो ऑक्शन लगते हैं मेरे भाई, बिड़े लगती हैं। बिल्कुल। That is messed up. एक आध गाड़ी ले ले शाली, मैं भाई से मांगूंगा ना तो भाई दे भी देंगे, लेकिन मैं मांग नहीं रहा। तो मांग लेना मेरे बेटे, मांग लेना, सब मंगवा दे उसको अभी जो है। बिल्कुल बाली, सब कुछ मांगने लग जाऊंगा तो भाई बोलेंगे ये मंगतू है। हाँ ना, उसकी रिस्पेक्ट खराब होगी। अरे डेट तो मेरा तो इस पीली वाली पे डेल आ गया, और इंजे वो मेरे पीली वाली है। बिल्कुल। अब क्या करना मेरे बेटे? अब तुम देखते जाओ, अब मैं कैसे इस शहर पे राज करता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पूरी वीडियो आज मैंने खींच दी।